today I am at the location itself, which is Birla Navya. It's a project by Birla Estate, which was started by Kumar Mangalam Birla. If we talk about the apartments that they have to offer, or the facade and the complete building, each building or each plot has 4 floors, and then which comes with a basement, a terrace and a stilt parking. Whole acre land, or this is the project which is a township, and the complete project is of 47.54 acres. दोस्तों मोड़ा 1 जो है वो टोटल 2 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें आप लोगों की 56 यूनिट्स रहेंगी, जिसमें आप लोगों के जो यूनिट टाइप रहेगा वो रहेगा 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम और 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम, जबकि अमोड़ा 2 में आपका 4 एकड़ की ज़मीन रहेगी जिसमें आपकी 164 यूनिट्स रहेगी, जिसमें कि अभी सिर्फ 3 BHK अवेलेबल है, और दिशा जो है वो 4 एकर्स में फैला हुआ है जिसमें आपकी 120 यूनिट्स रहेंगी, और उसमें भी अभी सिर्फ 3 BHK अवेलेबल है क्योंकि बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैं एक बार आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सबसे नीचे है ग्राउंड फ्लोर जिसमें आपको स्टिल्ट पार्किंग मिल जाती है 8 कार्स के लिए, उसके बाद है फर्स्ट फ्लोर एंड देन टेरेस। टेरेस जो है दोस्तों वो मैं एक बार आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ, हालाँकि ये सैम्पल फ्लैट है और जो एक्चुअल फ्लैट्स होंगे, एक्चुअल जो प्लॉट्स होंगे, उसमें सबसे नीचे आपकी ग्राउंड फ्लोर जो कि स्टिल्ट पार्किंग के लिए यूज़ होगा, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड टेरेस। तो जो टेरेस रहेगा उस पर 60% राइट जो रहेगा वो फोर्थ फ्लोर पे जो रह रहा है उसका रहेगा, और बाकी का जो बचा 40% है वो कॉमन एरिया रहेगा, यानी कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है उसको एडवांटेज ये होगा कि उसको बेसमेंट मिलेगा, यानी कि जो पूरा बेसमेंट होगा वो फर्स्ट फ्लोर वाले का ही होगा, इसलिए जो फर्स्ट और फोर्थ फ्लोर है उसके प्राइस थोड़े हाई है, जबकि सेकेंड और थर्ड फ्लोर के जो प्राइस है वो कम है। रतन कुंज आपके लिए लेकर आया है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीतें बेहतरीन इनाम। सो ये हमारा सैम्पल अपार्टमेंट है जो कि जिसके वो देखकर सारे अपार्टमेंट्स सेल आउट हो चुके हैं, जस्ट फ्यू इन्वेंट्रीज आर लेफ्ट। सो सिक्योरिटी वाइज यू आर गोइंग टू हैव 1 टच का आपका वीडियो डोर बेल होगा जिसको आप अपने घर से अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा आपका ऑलमोस्ट 4.5x8 feet का आपका वाइड डोर है। सो ये भी काफ़ी एक प्रीमियम लग्जरी फील देता है आपको एंट्री करने के बाद। सो अब हमने एंट्री कर लिया है अपने सैम्पल अपार्टमेंट में। सो राइट हैंड साइड हमारा फर्स्ट बेडरूम आता है जो कि हमारा गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट बेडरूम। नीचे आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग आपको दी गई है, वुडन लैमिनेटेड, एंड ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट बेडरूम का। वार्डरोब का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम दिया हुआ है कि अंदर आपने डार्क शेड ग्लासेस दे दिए। सो सामने हमारा वार्डरोब है। सो अटैच वॉशरूम हमारे बेडरूम के साथ है। सो ये हमारा अटैच वॉशरूम हो गया। एंटी स्किड टाइल्स एंड कॉलर्स की आपके फिटिंग्स होंगी सारी। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिरला नव्या का है, और ये हमारी टॉयलेट सीट। खास बात ये है कि हर बेडरूम के साथ आपको बैल्कनी अटैच मिलेगा। सो इस बेडरूम का बैल्कनी यहाँ से ऑपरेट होता है। मैं आपको लिविंग रूम के पास से दिखाऊंगा एरिया फॉर द टीवी पैनल, बाकी आप अपना इधर कैविटीज़ बनवा के आप अपना यूटिलिटी स्पेस बढ़ा सकते हैं। एंड देन वी हैव अ ब्यूटीफुल लिविंग एरिया। ये हमारा लिविंग एरिया है, सामने आपका लिविंग एरिया हो गया। वी हैव ब्यूटीफुल सीनरी एट द बैक एंड। सो ये हमारा लिविंग एरिया, सामने हमारा UPVC फ्रेंच विंडोज़ लगी हुई हैं।
सो आप व्यूज देख सकते हैं, लाइक हाई राइज आपको बिल्डिंग सारी दिख रही हैं, दैट इज़ अवर नेशनल फ्लैग। सो वो साइबरस्केप की बिल्डिंग है, सो बिजनेस टावर्स वर्किंग है प्रॉपर। एंड इसके साथ ये हमारा लिविंग एरिया का हमारा कैबिनेट हो गया फॉर द टीवी। सामने की तरफ हमारा बैल्कनी आ जाता है। सो बैल्कनी का बेनिफिट ये है कि आप इसको बैल्कनी को, ये 3 एक्सेस हैं इसके, सो 2 बेडरूम्स के साथ है और लिविंग रूम के साथ इसका एक्सेस है बैल्कनीज का। सो ये बिरला की साइट है, गुड़गांव साइट। एक बेडरूम हमारा सामने है जिससे हमने अभी एंट्री किया है, ये हमारा लिविंग रूम का एरिया है, एंड द 3rd बेडरूम का इधर से है। तो ये वाली बैल्कनी 3 जगह से हमारी जॉइंट है। सामने आपको वर्किंग सारी चीज़ें दिखती हैं, सो दीज आर द हाई राइजेस बिल्डिंग। वो साइबरस्केप है तो वो हमारा वर्किंग बिजनेस टावर है। SEZ काफ़ी पास में है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। सो दिस इज़ अवर 2nd बेडरूम। स्पेसिफिकेशंस, रूम साइजेस, सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। सेम वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग्स हैं आपकी, UPVC फ्रेंच विंडोज़ है, सो जिससे आपको सनलाइट का कभी कोई इशू होगा नहीं। प्रॉपर सनलाइट है शाम को। और इस वाले बेडरूम की हमें सेपरेट वार्डरोब एंड बाथरूम मिलता है। सो दिस इज़ अवर वार्डरोब एरिया, सो स्लाइडर वार्डरोब्स हैं यहाँ पे, वेयर यू कैन हैव योर क्लॉथ्स। एंड दिस इज़ अवर वॉशरूम फॉर दिस बेडरूम नंबर 2। कॉलर के फिटिंग्स हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक वॉशरूम दिखाता हूँ जो कि व्हीलचेयर फ्रेंडली है। सो इफ़ यू हैव समवन इन योर फैमिली जो व्हीलचेयर्स यूज़ करते हैं, सो उनके लिए व्हीलचेयर फ्रेंडली वॉशरूम बनाया हुआ है। सो ये वाला वॉशरूम आप देख सकते हैं जो कि व्हीलचेयर फ्रेंडली है, तो इसमें ईजीली जा सकते हैं। इसका एंट्री डोर भी काफ़ी वाइड है, सो इसमें आपको इशू होगा नहीं। एंड देन वी मूव टू अवर बेडरूम नंबर 3। सेम वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग्स, सेपरेट बैल्कनी फॉर द प्राइवेसी ऑफ द फैमिली। और ये हमारी सेपरेट बैल्कनी हो गई फॉर दिस बेडरूम। नाउ वी हैव एरिया फॉर द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं इसे। सो ये हमारा डाइनिंग एरिया आ गया। अपोजिट टू दिस वी हैव अवर यूटिलिटी बैल्कनी विच कैन बी यूज इन मल्टीपर्पज। एंड देन वी हैव अवर ब्यूटिफुल किचन। सो ये हमारा किचन है। सॉफ्ट क्लोजर के साथ हमारा किचन सेट है। यू कैन हैव अ लुक, दिस इज द एरिया फॉर अवर रेफ्रिजरेटर। सामने का एरिया हमारा चिमनी एंड हॉब के लिए है। एक बैल्कनी का एक्सेस यहाँ पर भी है जिसमें वी कैन सी लाइक वॉशिंग मशीन लगाया हुआ है। सो दिस इज द एरिया, वन मोर यूटिलिटी बैल्कनी जो कि वॉशिंग पर्पज आपका सॉर्ट आउट कर सकती है। सो आप देख सकते हैं एक यूटिलिटी बैल्कनी इधर है, एक यूटिलिटी बैल्कनी बिल्कुल मेरे हाथ के राइट हैंड साइड में। सो प्राइवेसी आपकी हर जगह बनी हुई है, कोई बैल्कनी आपको फेस नहीं कर रही है। एंड वी आर बैक टू अवर लिविंग एरिया। इसके बाद मैं आपको टेरेस भी दिखाऊंगा एंड बेसमेंट दिखाऊंगा। सो ऑप्शंस आ कि जो 4th फ्लोर ऑप्ट करता है या फिर जो 4th फ्लोर परचेज करता है उसको टेरेस मिलता है विद अ ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन, एंड जो ग्राउंड फ्लोर परचेज करता है विच इज़ अपर ग्राउंड फ्लोर अपॉन द स्टिल्ट पार्किंग उसको मिलता है बेसमेंट। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारी लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।